उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, इन दिनों देश के ज्यादातर राज्यों में मानसून की बारिश हो रही है। अब मौसम विभाग ने एक बड़ी जानकारी दी है। मौसम विभाग के नए अपडेट के मुताबिक दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों में गुरुवार से मानसून की बारिश और तेज होने की संभावना है। इसके चलते तापमान में बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार और शुक्रवार को जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के बने रहने की संभावना है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बुधवार रात से ही भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। अपने नए अपडेट में मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि जम्मू कश्मीर में शुक्रवार तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तर पंजाब, उत्तर हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 31 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 अगस्त तक बारिश जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। झारखंड, बिहार और तेलंगाना में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली और NCR के मौसम को लेकर IMD ने बड़ी जानकारी दी है। IMD ने कहा है कि यहाँ के लोगों को बारिश से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। गुरुवार को एक बार फिर से दिल्ली में बारिश का दौर शुरू हो सकता है, जो शुक्रवार तक जारी रह सकता है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक RK जनामणि ने कहा कि बीते कुछ दिनों में बारिश कम हुई थी, लेकिन गुरुवार से बारिश का दौर एक बार फिर से लौट सकता है। वहीं आपको बता दें कि बुधवार रात से ही जम्मू कश्मीर में भारी बारिश हो रही है, जिसका असर अमरनाथ यात्रा पर भी देखने को मिला है। गुरुवार सुबह से ही अमरनाथ यात्रा को रामबन जिले के चंदरकोट में रोक दिया गया। जम्मू श्रीनगर, श्रीनगर ले हाईवे वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। रात से हो रही भारी बारिश के चलते हाईवे पर कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। वहीं खराब मौसम की वजह से चल रही अमरनाथ यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। जम्मू से रवाना होने वाले श्रद्धालुओं के जत्थे को फिलहाल मौसम साफ होने तक रोक दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों से पहाड़ी इलाकों का रुख न करने की हिदायत दी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें 1 इंडिया हिंदी के साथ।